हो गया सक्सेस। हेलो दोस्तों, सिर्फ आटे से खेलने आया हूँ और जगह वेरीफाई कर लिया हूँ पहले, क्योंकि रोहू के खेल में मेन रहता है जगह ढूंढना। जगह वेरीफाई की हमने, तालाब 1 किलोमीटर चल के आए क्योंकि जगह वैसी है, इस तरह से घासों में भी चर रही है। और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बताना ये चाह रहे हैं कि अगर मछली रहे ना तो सिर्फ आटे से भी लग सकता है। ये सिर्फ गेहूँ का आटा है और इसको ही थोड़ा सा फेंकेंगे, चराई करेंगे, पानी में घुल जाएगा। मछलियाँ ये खा के पेट भी नहीं भर सकते क्योंकि घुल जाएगा पानी में और वहीं पे रहेगी। इस तरह से आज अपन फिशिंग करेंगे। कुछ भी नहीं मिला ना, सिर्फ गेहूं का आटा। आटा ने बेट यही बना लूँ। और वही फ्लोट दिखाना है मेन रीजन कि रोहू खाती कैसे है। फ्लोट के हिसाब से वेट देना पड़ेगा। फ्लोट खड़ा रहना चाहिए इसके खेल में, हल्की सी भी सारा समझ में आ जाना चाहिए। गोली जैसे भी मुंह में लेके चूसती है वो, और जो खाने के टाइम पे जब ऐसी लपलप होती है वैसी सेम इशारा ऊपर खड़े फ्लोट को आता है इशारा, क्योंकि रोहू का मुंह जरा सा ऐसा खुलता है नीचे की तरफ, सामने का थूथन जो इशारा होती है वही सेम सिग्नल आपको फ्लोट पे आए। तो हमारा आटा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आटा फेंक देता हूँ। बारीक मच्छों के बीच में रोहू ने आके बाइट किया था, ये निशान है। अगर वो टाइम सही टाइम में मैं मार देता था ना, वो लग जाता था, क्योंकि वो यही है। आटा भी ऐसे लगाना पड़ता ना उसको, कंफर्टेबल रहे कि हुक के मुँह के तरफ ही बाइट करे। अभी ले लो। अच्छा, ये एक लगा, मेरा फ्लोट टूट गया यार। हाँ, मेरा थैला कहाँ है? बहुत इतमान से मारना पड़ा। एक मेरा फ्लोट टूट जाएगा। अपना ट्राईपोड का तुम ये लिए, तुम हमारे के टेक्निक है यार, ये तो डायरेक्ट फेमस हो जाता है एक के बारे में। हर चीज़ बस पूरा है। मेरा फ्लोट टूट गया पूरा, रद्दी हो गया, टेप मारने पड़ गया। ये बहुत मस्ती करता है यार ये, इसको किस तरह से लगा ये साइज के लगेंगे। लेकिन अब फ्लोट देखो कि कैसा है, फ्लोट का ही सारा देखो, हल्की हल्की आती है, देखो कितना मस्ती यार पंख।
मेरा एक फिंगर टूट रहा है अब यहाँ पे, इसके कारण यहाँ से सड़क जा रहा था, यहाँ टूट जा रहा है, जिसमें अब टेप मारूंगा यहाँ पे बढ़िया से, क्योंकि घास वाले जगह में सीधा ही डालना पड़ता, आड़ा देंगे तो घास के पास ऐसा घुस जाता है ना, तो खड़ा नहीं हो पाता, और खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल पे आओ ना, आ रहे हैं लगभग तीसरा नाइट। देखो ऐसे घासों में चल रहे हैं, वो देख के ज़्यादा अंदर नहीं फ्लोट नहीं दिया हूँ, रीज़न यही है, खेलने का जगह देख के खेलना पड़ता है। छोटे मछली के बीच में पहचानना पड़ता है, नहीं नहीं तर 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 मारेगी वो, रो रही तो कंटिन्यू बारी मछली दो ही बार मारते, दो ही तीन बार मारते, आराम से लगाइए। कल पूछ कर दिया था कि क्या है, देखो सिंगल हुक में कचरे वाली जगह में मिस होने का चांस कम रहता है, डिग्गी रहता है तो दो हुक जो रहते हैं बाहर वो ऐसा फंस जाते हैं ना, तो जब वो तड़फड़ करती है मछली तो वापस निकल जाता हुक, इसे भी रखते हैं, बेहतरीन बेहतरीन सालन के लायक। चार लग चुके हैं, जैसा सक्सेस होते हुए दिख रहा है, मतलब हो गया सक्सेस। हेलो, एक छोटा तो एक और आया, अरे इतना बुरा जाला मारते हैं यहाँ पे, छोड़ के भी कोई फायदा नहीं, लगे ये साइज छोड़ने लायक था, पूरा सरवाइव कर जाएगा जिम्मे। ये देखो इसका मुंह ऐसा खुलता है, ऐसा पकड़ पकड़ करते ना ऐसे ही अपना फ्लोट करता है। मछलियाँ होनी चाहिए, आटे पर भी लगता रहो, थोड़ा सा मिठास के लिए देंगे तो ज़्यादा चांसेस रहता है, इसके लिए हम लोग हमेशा पार्ले जी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, तुम तो रोहू मछली को पसंद है, बाकी खेल तो आटे में भी हो सकता है ना, उधर वो मिले नहीं रहा, तर 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 जो मिलता था ना रोहू का, वो मिले नहीं रहा।
पूरी जमात को लेके निकल जाएगी अब। उधर फेंक देता हूँ। ये रिलीज करने लायक लग रहे थे, ये कुछ ज़्यादा ही छुट्टी है। काफ़ी छोटा हो जाए। कभी कभी बारीक मछलियाँ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी मछली खा रही हो। इसके लिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मेरा आटा ख़त्म हो गया और गाड़ी के पास जा रहा जंगलों में से। काफ़ी घना जंगल है और इधर जंगली डुक्कर बहुत है, इसके लिए सतर्क होकर जाना पड़ेगा। अब आए हैं तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए हाथ में डंडा ले लिया, कुछ नहीं तो कुछ सही। रोहू का भी इतना स्पीड रहता है लेकिन फ्लोट ऊपर नहीं आता। जब रोहू खाता ना तो फ्लोट जब जाता ना तो रोक के जगह पर से होता, कट 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 कट, ये अंदर जाता उतना बाहर आ जाता है, यानी कि ये रोहू नहीं है। क्या बात है। चलो जिसके लिए मेहनत किए कामयाब हो गए। पहले ख्याल आना था यार मेरे को गाड़ी का। मेहनत मेहनत ला रहा है। अभी भागते हुए मैं गया था गाड़ी पे कोंडा लाने के लिए, इसलिए आते आते से खेल खेल के अरे एक साथ में लगे। थैला कहाँ है? हाँ कहाँ है, मच्छी रखने का थैला कहाँ है? चल अभी इस इधर रखते हैं क्योंकि समय कम। चराई होना यार मच्छी जमा करने के लिए ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा आड़ा लगी, कैमरा चालू थी फिर बंद। ब्रह्मास्त्र पात्र बोला ना, तिग्गी लगाऊंगा तो ढेर लगा दूंगा। तो ये है अपनी मच्छी। हाँ अच्छा हो गया, थोड़ा इधर घास के पास ला। काफ़ी हो गया, मस्त सालन बनेगा। सब तो नहीं होगा जितना होगा। इस तरह से पूरा काला वाला साफ कर लेना, अगर कुछ कपड़ा रहेगा कपड़े से घस दो एक बार, पूरा काला साफ हो जाएगा। ऐसे पीस छोटे वाले का कट किया हूँ, इसी तरह पूरा काट लेना है। हल्दी और नमक से सिर्फ फ्राई करना है। ये हल्दी हो गया, सारन के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा सरसों का तेल चुभ भी सकता हाथ में, तो इसके लिए अपने को चम्मच लेना है। सब इसको कड़क फ्राई करके और सालन बनाना, ताकि इसमें
जो छोटे रोहू में कांटे बहुत लगते हैं, बहुत नहीं रहते, जो बड़े रोहू में रहता है वो छोटे रोहू में रहता है। छोटे रोहू के पीस में आपको 4-5 कांटे ऐसे लाइन वाले आएंगे, लेकिन जब बड़ा होता है तो फैल जाता है पीस, अपने को बड़ा वाला पीस भी अपन इतने पतला काटते हैं, तो एक पीस में दो पीस कांटे आते हैं, इसके लिए कम लगता है। तो इसके लिए इसको पूरा कड़क फ्राई करना है ताकि एकदम से कांटे भी नरम हो जाए, चबा के खा सकते हैं आराम से। इसके लिए इसको 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे मैरिनेट के लिए। थोड़ा और कड़क होना था लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, एक्चुअली भूख भी लगी है, सारा मरने के लिए ठीक है। सिर्फ हल्दी नमक डाल के कड़क फ्राई करें ना, बहुत देखो आवाज आ रहा है सब कुरुम कुरुम। मछली लिए नहीं दो दो कांटे बहुत बारीक रहते हैं, लेकिन कड़क फ्राई होने के कारण कांटे भी चबा के खा सकते हैं। बढ़िया सही में मैं भी टेस्ट करूंगा, अब ठंडा हो गया है। बहुत ज़बरदस्त, एकदम अच्छे से तलने की वजह से ना इतना क्रिस्पी हो गया ना, उसके कांटे भी चबा के खा सकते हैं ना, तो आप सुन सकते कांटे भी आराम से चबा के खा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त मछलियाँ इतनी छोटी थी, लेकिन छोटी मछली कांटे बहुत होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से फ्राई किया ना इसने, उसको कांटे भी आप आराम से चबा के खा सकते हैं। फिर हल्दी और नमक पीस कितना करंची हुआ है, गिरेगा तो आवाज करेगा। अरे